नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट करी थी हमारी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो हमने आपको वैकेंसी बताई थी। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हमें लास्ट ईयर के इसके पेपर्स को दिखा दीजिए। तो आज हम आपको इसका लास्ट ईयर का पेपर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तीन सेट हैं, तीनों से अलग अलग सब्जेक्ट के आपके एग्जाम्स के हैं। तो आपको उसका हम इसका पूरा आपको इसका लास्ट ईयर का पेपर दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर तरह की जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है उसके आपको नोटिफिकेशन देते हैं, और आपको सिलेबस और उसके लास्ट ईयर के पेपर्स भी आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड, हर तरह की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और सिलेबस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, अगर आपके फ्रेंड ने भी इसकी फॉर्म को भरा है तो वो भी इसका प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2008 का क्वेश्चन पेपर है जनरल इंग्लिश का, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम का पेपर था, और इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 150 मार्क्स का आपका पेपर था। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और आपको उसको आंसर देने हैं, और ये आपके 20 मार्क्स का आपका पेपर है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आपको आंसर्स देने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक द प्रेसेस ऑफ द 1/3 ऑफ द क्वेश्चन इन लेंथ, ठीक है। गिवन एंड अप्रिशिएट टाइटल ऑन द पैसेज, ठीक है। तो आपको ये पूरा टाइटल पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीअरेंज करना है सेंटेंस को, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आपके 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे और इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, यानी कि प्रत्येक के लिए आपको 2 मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, साथ ही उसके बाद देखिए करेक्ट यानी 10 फ्लोइंग सेंटेंस, 10 सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं और उनको आपको करेक्ट करना है, और इसके भी आपको 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन था। देन उसके बाद आपको सेंटेंस देने थे 10 वर्ड्स के, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके 10 मार्क्स के थे। देन अगला क्वेश्चन देखिए, गिव द एंटीमस ऑफ द एनी 10 मार्क्स, तो यहाँ पे एंटीमस भी देने थे 10 मार्क्स के, ठीक है। और ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके अंदर थे। फिर उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजक्शन भरने थे, और ये भी आपके 10 मार्क्स के पेपर हैं, और यहाँ पर भी आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, रीड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एनी 10 ऑफ फ्लोइंग, आपको इनके करेक्ट स्पेलिंग लिखने हैं, और ये भी आपका 10 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेक सेंटेंस विद द 5 फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स क्लियरली, इसमें आपको पेयर्स बनाने थे कि किसके साथ कौन सही बैठता है, ठीक है। और एनी 5 करने थे आपको, 10 पेयर बनाने थे, 5 पेयर बनाने थे, और ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे देखिए, गिव द अप्रिशिएट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एनी 5 एंड फ्लोइंग आइटम्स, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स का इसमें दिया हुआ है। उसी तरीके से आगे बढ़िए, तो यूज़ एनी 10 ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स एंड पेयर्स, आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने थे इन वर्ड्स इनको यूज़ करके, ठीक है। और ये आपको 20 मार्क्स का आपका आंसर है इसका, ठीक है। इसका देखिए, इंसर्ट अप्रिशिएट पंचुएशन मार्क्स ऑन द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको पंचुएशन को इसमें इंसर्ट करना था, ये भी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक। फिर उसके बाद, इन द सेंटेंस गिवन बिलो सम वर्ड्स आर अंडरलाइन, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स वर्ड, ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए पूरा पेपर आपका खत्म हो चुका है, ये पेपर आपका जनरल इंग्लिश का था। तो अब हम इसका नेक्स्ट पेपर देखते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जनरल नॉलेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जनरल नॉलेज का आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये हमें ऑफिशियली नहीं मिला, तो हमने इसका एक पीडीएफ आपको जनरेट करके दे दिया है। ये लास्ट ईयर का आपका जनरल नॉलेज का पेपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस और आपको आंसर भी दिए हुए हैं। हाउ मैनी शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंटेंस, तो इसका आंसर 12 है, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा पेपर आपका पीडीएफ में नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं। फ्रेंड, हमारे पास इसके अंदर लगभग लगभग 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, और इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अब उसका एक नया अगला हम सिलेबस देखते हैं, जो कि एक नया लास्ट ईयर का जो पेपर है हमारा जनरल इंटेलिजेंस का, उसका पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पेपर है,
जो कि टेक्स्ट बुक था आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लास्ट ईयर का, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आपका 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग था और इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो आपके 250 मार्क्स का आपका पेपर था। तो यहाँ भी फ्रेंड्स कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है, इसको आपको पढ़ लेना है एग्जाम में देने से पहले, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सर, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देख लीजिए, इसके अंदर भी सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक पेज में आपको हिंदी दिया हुआ है और एक पेज में आपको इंग्लिश दिया हुआ है फ्रेंड। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, 48 पेज का पेपर का आपका ये है इसके अंदर, ठीक है। 48 पन्नों का ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को ताकि वो भी इसको डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी पूरी डिटेल, आपको लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए गुड बाय।